आईपीएल 2022 के शुरू होने के तीसरे ही दिन सीजन का पहला विवाद भी सामने आ गया है। मामला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मंगलवार को हुए मुकाबले में लपके गए एक कैच का है। हैदराबाद की दूसरी पारी का दूसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा करने आए ओवर की चौथी गेंद पर विलियमसन के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधा विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथ में गई, लेकिन संजू से गेंद छिटक गई। संजू से छिटकी हुई गेंद को फर्स्ट स्लिप में खड़े देवदत्त पड़िकल ने लपक लिया। ग्राउंड अंपायर को समझ नहीं आया कि यह कैच पकड़ा गया है या फिर बॉल ग्राउंड पर लगी है। अंपायर ने विलियमसन के आउट होने का सॉफ्ट सिग्नल दिया, लेकिन कंफर्मेशन के लिए थर्ड अंपायर से चेक करने की रिक्वेस्ट की। थर्ड अंपायर ने भी हर एंगल से रिप्ले देखा और विलियमसन को आउट दे दिया। बस फिर क्या था, इसे लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो के फ्रेम में पहले ही यह साफ नज़र आ रहा था कि गेंद ग्राउंड को टच कर रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस डिसीजन को लेकर काफ़ी कमेंट किया है और आउट या नॉट आउट होने को लेकर बहस छिड़ गई है। हैदराबाद के लिए विलियमसन का विकेट बहुत मायने रखता था, वहीं अपनी बल्लेबाजी से किसी भी मैच का पासा पलट सकते थे केन विलियमसन। अगर उन्हें नॉट आउट करार दिया जाता तो मैच भी बदल सकता था। उनके आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी, निकोलस पूरन और अभिषेक शर्मा भी जल्दी आउट हो गए, कोई खास काम नहीं कर सके और राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रन से करारी हार दी। दोस्तों, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, क्या यह क्लीन कैच था या फिर यह नॉट आउट था, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।